सबसे पहले धन्यवाद सुप्रिया मैम, प्रणब झा सर, संजीव सर और हमारे हरीश पवार भैया जी का। आप तमाम लोगों को दिल से स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ही रिपोर्ट किया है कि हिंदुस्तान 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। और ये बेरोजगारी स्वतः नहीं हुई, से सरकार ने किया है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है, इस मुद्दों पे बात करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार न तो सुनना चाहती है न बोलना चाहती है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने तरह तरह के काम, तरह तरह के कैंपेन कोशिश की। इसमें भला उनका है कि अगर वो रोजगार देंगे तो समाज का भला होगा। इसी मुद्दे को ध्यान में रख के हमने पिछले मंथ 23 जनवरी को NRU की डिमांड को लेके एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू किया, जो कि आज पूरे देश में चल रहा है। उसी की दूसरी पहल, दूसरी स्टेप आप कह लें, उसमें हमने जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है यंग इंडिया के बोल, उस पर हम युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि वो देश में बढ़ती बेरोजगारी और NRU की डिमांड पे वो अपनी बात रखें। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है कि ये कैंपेन हम पूरे देश में जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और फिर यहाँ से जो सेलेक्ट होके आएंगे उनका हम राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में शहीद भगत सिंह जी की शहादत दिवस 23 मार्च को समापन करेंगे। इस फिर से मैं बताऊंगा कि इस कंपटीशन में युवा अपनी बात, युवा युवती अपनी बात, बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या और क्या NRU की जरूरत है उस पे बात रखेंगे। क्योंकि सरकार चाहे लाख भटकाना चाहे, हम मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। हम उन्हें रोजगार के मुद्दे पे हो चाहे इकोनॉमी के मुद्दे पे, हम हमेशा घेरते रहेंगे। और चूंकि ये मामला युवाओं का है और यूथ कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते हम सबका दायित्व है कि इस मुद्दे पे हम आवाम की बात लोगों तक, सरकार तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में एक छोटा सा प्रोमो हम रिलीज करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं साथी कुणाल से आग्रह करूंगा कि प्रोमो चलाएं। देखिए, इस प्रोमो जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें कुछ युवा आह्वान कर रहे हैं देश के युवा को कि वो अपनी बात बेखौफ तरीके से रखें कि देश में बेरोजगारी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें मंदिर मस्जिद के मुद्दों से भटकाने के बजाय उन्हें रोजगार दे, उनका जीवन स्तर किस तरीके से सुधारा जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके। और साथ ही साथ पूरे देश में हमारा NRU का कैंपेन भी चल रहा है, जिन तमाम चीज़ों को लेके 23 मार्च को जब हम देश में शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत दिवस के दिन जब हम नेशनल प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें हम इन तमाम मुद्दों को जो फाइनल रिपोर्ट है वो कंपाइल करके केंद्र सरकार को देंगे कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इस मुद्दे पे बात करें, युवाओं की बात सुने। और अगर कुछ सवाल तब तक आप लोगों का हो तो उसका जवाब देना बेहतर होगा। NRU कैंपेन पे ऑलरेडी मैम हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस INC से किया था, यहीं से हमने लॉन्च किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ सवाल अगर हो तो तब तक सवाल ले सकते हैं सर। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी को लेके है कि क्या युवा क्या सोचता है बेरोजगारी के मुद्दे पे, उनका क्या कहना है। चूंकि केंद्र सरकार तो आए दिन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी उलझुल का बयान जारी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मुद्दे पे न भटके इसके लिए हमने इस कैंपेन को सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे रखा, एकमात्र उद्देश्य से। वो मिस कॉल है कि लोग जिनको लगता है बेरोजगारी एक समस्या है वो मिस कॉल दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरफा कैंपेन मान लीजिए है तो हमने उसको दूसरे स्टेप में लिया कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है, उनकी आवाज क्या है। देश का एक बहुत बड़ा धड़ा, एक मीडिया का धड़ा है जो इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में अगर वो बात नहीं कर रहा है तो उसको वो क्या कर रहा है, उनके लिए हम खुद प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात उस पर रखे। नहीं, ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा। दिल्ली के इस चुनाव में आप देखें तो NSUI यूथ के कई चेहरों को टिकट मिला और मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने से वो कतई गुरेज नहीं है कि कभी कभी होता है लोग
एक उदाहरण दूंगा, कई बार लोग बेवफा से भी प्यार कर बैठते हैं, और उसका चश्मा तब टूटता है जब उनका सच सामने आता है, तो लोग हो जाता है, क्योंकि हम लोग आम इंसान जो होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, वो झांसे में आ जाते हैं, और उसका झांसा इसलिए छूट रहा है कि ये डाटा, सरकार का डाटा, कि अगर वो यूथ उधर गए हैं कुछ सोच के ही वो गए होंगे, उनको कुछ ना कुछ उम्मीद दिखी होगी कि या ये सरकार उनकी बातों को, उनके चीजों को लेके आएगी, लेकिन हुआ क्या, एंड ऑफ द डे उनके साथ धोखा ही हुआ। 45 वर्षों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अब ये तो अपने आप में दर्शाता है। और युवा से हम आग्रह करेंगे इस मंच के साथ कि युवा झांसे में ना आए, झूठ के वायदे में ना आए, वो सच के साथ रहें, जैसा कि हमने पहले किया जब भी जरूरत पड़ी हिंदुस्तान में, चाहे आप इकोनॉमी एरा से लेके आप बात करें, मनरेगा की बात जब आई, तमाम यही सरकार जो है आज की सरकार बैठी हुई है मनरेगा पे हमें कोस रही थी, जब सत्ता में आई तो इस मनरेगा को इन्होंने के बारे में जो बयान दिया था वो इतना गलत था प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आज उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जरूरत यह है कि युवा किसको वोट कर रहा है मामला नहीं है, युवा के साथ हो क्या रहा है उस पर देखना चाहिए, कहीं पे लाठियां बरसाई जा रही है, कहीं पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, वास्तविकता ये है। अगर आप एनआरसी के प्रदर्शन देखिए, जहां पर राजनीतिक उसमें नहीं भी था, राजनीति नहीं थी, वहां पर युवा ही सबसे ज्यादा इनका विरोध कर रहा है, तो देश के युवाओं को नकार के आप सरकारें नहीं चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं बन पा रही, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जहां पे गैर राजनीतिक विरोध भी है वो भी युवा ही कर रहे हैं अपने आप से, तो कहीं पर युवा शक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं। मतलब 2020 में हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश हो जाएगा, 60% पीपल इन वर्किंग पॉपुलेशन, और उसके बाद अगर आप युवाओं के बारे में नहीं सोचेगा, उनके रोजगार, उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचेगा, तो कहीं आप शायद धरातल से बहुत दूर है। जी, इसका भी जवाब है, ये युवाओं को आवाज देने का डेफिनेटली, अगर कोई भी युवा आना चाहे और हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे तो उनका हमेशा स्वागत है, कि मन से गांधी आइडियोलॉजी को अगर वो आत्मसात करते हैं तो हमारे साथ आने के लिए तैयार। थैंक यू, थैंक यू। कुणाल चल गया, चलाइए। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है और रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की सरकार कौन है, मेरे देश का युवा बेरोजगार है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर बनाने की मांग पर रखें अपनी बात, भारतीय युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यंग इंडिया के बोल लेकर आ रहा है एक राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता। अपनी मन की बात, आओ करें रोजगार की बात, बहुत हुआ मंदिर मस्जिद, अब करें मुद्दे की बात, बहुत हुआ प्रसिद्ध प्रचार, देश का युवा मांग रहा है रोजगार, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करो अत्याचार, आवाज न साड़ी दबो जालम सरकार, देश के पढ़े लिखे है बेरोजगार, अपनी मन की बात, देश में मचा है हाहाकार, एनआरसी नहीं एनआरयू की है दरकार, लेकर आया है नौकरी की बात। मैं चाहूंगा हमारे साथ आईवाईसी जनरल सेक्रेटरी हरीश पवार भैया जी हैं, वो आप लोगों के बीच कुछ बात रखेंगे अपनी। भविष्य में जब भी कभी इस सरकार को याद रखा जाएगा, इस सरकार को इसके लिए याद रखा जाएगा कि हमेशा इस सरकार ने अव्यवहारिक कदम उठाए हैं, अपरिपक्व कदम उठाए हैं, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, चाहे एनआरसी को लेकर हो, लेकिन नोटबंदी से जो नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है, और उस वक्त जो सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि नोटबंदी होने के बाद में काला धन आएगा या जिस तरीके से भी देश के हालात सुधरेंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेंगी, लेकिन 3 साल हो गए, हर साल अर्थव्यवस्था का जीडीपी दर गिरता जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं।
युवा कांग्रेस लगातार इस बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने का काम करते आई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि सरकार गोलमोल बात करके जो मुख्य मुद्दे है देश के सामने उसके ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और NRU को लेके नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड, इसको लेकर जब हम लोग पिछली बार आप लोगों के सामने आए थे, एक बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस पूरे देश में मिल रहा है। जो लोग ये चाहते हैं कि सही में बेरोजगारी का रजिस्टर बने, कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोगों की नोटबंदी में नौकरी गई यानी कितने लोगों को मिली, वो तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलने वाली थी, 6 साल के हिसाब से 12 करोड़ का हिसाब होना चाहिए, लेकिन उतना तो दूर की बात है। किसी ने सूचना के अधिकार में जब इसकी जानकारी मांगी तो सिर्फ सरकार 5 से 6 लाख नौकरियां अब तक दे सकी है, और इससे कई गुना ज़्यादा कई करोड़ नौकरियां नोटबंदी की वजह से चली गई है। तो इसका एक रजिस्टर बनना चाहिए इसको लेकर, और उस वो जो मुद्दा है वो मुद्दे की तरफ सबका ध्यान जाए, देश का ध्यान जो भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो लोगों के सामने है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार इस पर काम कर रही है, इसी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आपको पूरी जानकारी अभी अमरीश रंजन पांडे जी ने आपको दी है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसको पूरे देश से NRU को कितना समर्थन मिल रहा है बेरोजगार रजिस्टर बनाने के लिए, लोग अपनी अपनी बात मंचों के माध्यम से आकर भाषण के माध्यम से आके रखे, उसको जिला स्तरीय राज्य स्तरीय और आखिर में उसको राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाने का काम करने वाले हैं। 23 मार्च को इसका समापन होगा, और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी ये इतना बड़ा जो मुद्दा है, इतना जो विकराल परिस्थिति देश के सामने है, इसको लेकर बात हो, इसके ऊपर समस्या को लेकर बात हो, अगर किसी के पास में कोई सॉल्यूशन है तो उसको लेकर बात हो, और सरकार को इसके बारे में पूछा जाए। धन्यवाद।